Canise for the most. ये कौन था? कहीं ये रायका तो नहीं? ये अक्सर कर जाती है, कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कहाँ जा रही है रायका? वो मैं अरीबा के घर जा रही थी। अकेले? किससे इजाजत ली आपने? आप होमवर्क कर रही थी और गुलाम रसूल भाई मुताला कर रहे थे और अब्बू कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, तो इसका मतलब है आपको इजाजत मिल गई? नहीं, वो तो मैं बड़ों की इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाते। अब आइए अपना होमवर्क मुकम्मल कीजिए। मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। रायका, वक्त बहुत कीमती है, कोशिश कीजिए इसे इधर उधर जाया नहीं कीजिए। सबसे पहले अपनी तालीम पर तवज्जो दीजिए। भला दोस्तों से मिलने जाना भी वक्त जाया करना है? लड़कियों के दोस्त नहीं होते, सहेलियाँ होती हैं। जी आइंदा सहेली ही कहूँगी, गलती से निकल गया जबान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या, आधा गिलास पानी ऐसे ही छोड़ दिया? ये भी फजूल खर्ची है। और याद रखिए कि फजूल खर्ची सिर्फ पैसों की नहीं होती। फजूल खर्ची करने वाले को कुरान ने शैतान का भाई कहा है। और दूसरा, आपने पानी की बोतल भी फ्रिज में नहीं रखी। सॉरी आप भी। कल आप आई नहीं, सब खैरियत तो थी? बस क्या बताऊं, छोड़ें। नहीं बताइए, क्या बात है? मुझे झूला झूलने देंगी तो बताऊंगी ना। आ जाइए। अब बताइए। मैं तो आ रही थी, आप ही ने मना कर दिया और कहा आपसे मिलना वक्त जाया करना है। आप ही बताइए भला, क्या सहेलियों से मिलना भी वक्त जाया करना होता है? कहाँ जा रही हैं? मुझे झूला तो देती जाए। अब मैं कभी कनीस फातिमा आप ही से नहीं मिलूंगी। आपकी सबसे अच्छी सहेली कौन सी है, आप बताइए। मेरा ख्याल है कि बरीरा आपकी सबसे अच्छी सहेली है। ये पढ़ाई पर तवज्जो दे तो बरीरा की क्लास में पोजीशन भी आ सकती है। इसका मतलब अरीबा और रामीन अच्छी नहीं है और बरीरा पढ़ने में अच्छी नहीं है, मेरी सहेलियाँ ही अच्छी नहीं है, ये कहना चाहती है आप ही? एक अजीब बात बताऊं? अजीब बात? हाँ, आप ही कहती हैं रामीन और अरीबा अच्छी नहीं है और बरीरा पढ़ने में अच्छी नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कुछ ना कुछ तो बात होगी, जब ही रायका ने बताया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। रायका को बुला दीजिए। कहीं ये मेरी कही हुई बातें आप ही को ना बता दें, अब मैं क्या करूँ? आइए आप अंदर आइए। नहीं, आप रायका को बुला दीजिए, हमें रायका से ही काम है। मुझे लग रहा है आप तीनों मुझसे नाराज हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझी हैं। लेकिन हुआ क्या है, कुछ मालूम भी तो हो। आइए अंदर आकर बैठकर बात करते हैं। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? तो क्या बात है, मुझसे क्यों खफा हैं? मुझे कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बारे में ऐसा कहेंगी कि अरीबा उन सहेलियों में से है जो वक्त जाया करती हैं, उनसे नहीं मिला करो। ये बात किसने कही? रायका ने और किसने? और आपने मेरे बारे में कहा कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ। ये किसने कहा आपसे? रायका ने और किसने? और मेरे बारे में कि मैं और अरीबा अच्छी नहीं है? आप सबसे ये बातें किसने की हैं? रायका ने और किसने? अब क्या होगा? रायका, रायका, क्या करूँ, मैं जाऊँ या नहीं? ये आप छुपकर क्यों बातें सुन रही हैं? इस तरह छुपकर बात नहीं सुनना चाहिए। और आप ही आपको बुला रही हैं तो जाइए। रायका, रायका। जी आप ही, मैं आई। आप ठीक कहती थी आप ही, मुझे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। और आप भी इनसे दोस्ती खत्म कर दें। पहले ये बताइए कि आपने इनसे क्या कहा है? वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अगरचे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि रायका, वक्त बहुत कीमती है, कोशिश कीजिए इसे इधर उधर जाया नहीं कीजिए। सबसे पहले अपनी तालीम पर तवज्जो दीजिए। भला दोस्तों से मिलने जाना भी वक्त जाया करना।
ये पढ़ाई पर तवज्जो दे तो बरीरा की क्लास में पोजीशन भी आ सकती है। कभी भी किसी के बारे में ऐसी बात सुने तो पहले उससे मालूम कर लीजिए, बदगुमान नहीं हो। क्या हम एक एक्टिविटी करें? ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जी जी क्यों नहीं, सब खड़ी हो जाए और लाइन बना ले। जो इशारा मैं अरीबा को सिखाऊंगी ये दूसरे को बताएंगी, फिर हम देखेंगे कि आखिर तक वही मैसेज पहुंचता है या नहीं। अरीबा के अलावा सब घूम जाएं। रायका अब कीजिए, जो मैसेज आपको मिला है करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। देखा आप सबने, जब कभी हमारी बात मुख्तलिफ लोगों के जरिए पहुंचती है तो वो कुछ से कुछ हो जाती है। हमने आपके बारे में बुरा सोचा, आप हम तीनों को माफ कर दीजिए। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह पाक हम सबको माफ फरमाए, मैंने भी आपको माफ किया। रायका अव्वल तो मैंने ये बात की नहीं, आपने इनसे झूठ बोला और चुगली की। लोगों में लड़ाई और नफरत करवाने के लिए उनकी बातें एक दूसरे तक पहुँचाना चुगली है। और चुगली के बारे में आपको मालूम है कि इसकी सजा क्या है? चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक हदीस का मफहूम है कि चुगली करने वाले से मेरा यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक नहीं। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं अल्लाह पाक से भी तौबा करती हूँ कि आइंदा चुगली नहीं करूँगी।